हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं वापस आ चुका हूँ फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस जो 1.5 के अपडेट में जो न्यू फीचर आए हैं और ओल्ड फीचर है उनके बारे में कंपैरिजन आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या जो चीज़ें आई हैं। बहुत सा बंदा जो कन्फ्यूज हो रहा होगा इस बारे में, बट आपको जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या क्या जो चीज़ें आई हैं वो सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस देर ना करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर कर लो, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए गाइस इधर पे जाते हैं, देख लीजिए गाइस अपने को जो फर्स्ट वाले पे ही रहना है, जो बेसिक सेटिंग है उसमें स्क्रॉल डाउन करना है। आपको जो दिखा देता हूं जो क्या चीज जो अपडेट हुआ है, जो बहुत से बंदों को अभी पता नहीं है बट बहुत से बंदों को जो पता चल गया होगा। हालांकि मुझे पता नहीं है अभी किस किस ने इस पर वीडियो बनाया है या नहीं बनाया। तो चलिए गाइस मेरा काम है आपको बताना। तो चलिए गाइस यहां पे आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए यहां पे ये ऑप्शन दिख रहा होगा। यहां पे 1.5 के अपडेट के बाद दिखेगा ये ऑप्शन आपको, डिस्प्ले माय इंफॉर्मेशन ऑन माय फ्रेंड्स सीजन रैंकिंग्स। तो ये वो वाला ऑप्शन है जो जैसा मतलब कोई बंदा आपको एक्सपेक्टेड कर रहा है अपनी फ्रेंड लिस्ट में बंदा, तो आपका कोई मैच देखता है तो उसको इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, टायर कौन सा अपना, केडी वगैरह जो भी सारा कुछ रहता है, आउटफिट वगैरह वो सारा कुछ दिखाई देता है। और जो एक्सपेक्टेड करने के बाद एक और ऑप्शन रहता था जैसे इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो इसको दोनों को जो है कंबाइंड कर दिया गया है इधर पे गए, जो एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा अभी अपडेट के बाद। जो है इसी को आप ऑन करोगे तो सबको जो है दिखाई देने लगेगा, अगर इसको ऑफ कर दोगे तो दिखाई नहीं देगा। तो चलिए गाइस मैं इसी के बारे में आपको जो पुराना वाला जो दिखा देता हूँ पहले कैसा दिखता था ये। तो चलिए गाइस इधर पे आ जाते हैं, देख लीजिए मैं ओल्ड वर्जन में आ चुका हूँ यहाँ पे। तो देख लीजिए पहले कुछ इस तरीके से दिखता था, यहाँ पे देख लीजिए अलाउ स्पेक्टेटर्स करके दिखता था और दूसरा वाला था अलाउ स्पेक्टेटर्स टू व्यू टायर इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से दो ऑप्शन मिलते थे जिसमें से आपका फ्रेंड मतलब जो वॉच कर सकता था अगर आप एक ऑप्शन ऑन रखते हो ये स्पेक्टेटर वाला, और दूसरा ऑप्शन ऑन करते तो आपका जो टायर रिव्यू वगैरह सारा कुछ बंदा देख सकता था। बट इसको ऑफ करोगे तो नहीं देख पाता, मतलब जो स्पेक्टेट कर पाता बट टायर वगैरह नहीं देख पाता था। तो अब ये दोनों ऑप्शन को जो है कंबाइंड करके एक ही ऑप्शन दे दिया गया मतलब जो अपडेट में। तो इस तरीके से ये ऑप्शन होने वाला है गाइस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और इसको यहाँ पे आके अपडेट जिसने अपडेट कर लिया है वो यहाँ पे आके इसको ऑन कर लीजिएगा या ऑफ करिएगा, तो दोनों ऑप्शन एक ही बार में ऑन ऑफ हो जाएगा। तो गाइस इस ऑप्शन का एक डिसएडवांटेज ये भी है, जैसे आपका फ्रेंड है अगर आपका मैच देखता है तो आप जो है इन्फॉर्मेशन हाइड कर सकते थे, दो ऑप्शन मिलते थे, बट अभी जो दोनों ऑप्शन एक ही में कन्वर्ट कर दिया गया अपडेट में, तो आप एक ही बार में मतलब जो हाइड कर सकते हो या ऑन कर सकते हो। ऑन करोगे तो दोनों चीजें एक्सपेक्टेड हो जाएगा, मतलब एक्सपेक्टेड भी कर लेगा आपका इन्फॉर्मेशन भी देख लेगा। तो गाइस आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये फ्यूचर कैसा लगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और गाइस आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फटाफट से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।